डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन के मैथ्स क्लासेस आप सभी का के मैथ्स क्लासेस में स्वागत है आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिफ्रेंशिएशन ऑफ वैक्टर शहदिशो का अवकलन इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट क्या है क्या दे रखा है इसने तीन पार्ट है हमारे पास फर्स्ट पार्ट वैक्टर आर इक्वल टू वन माइनस कॉस्ट इन टू आई प्लस टी माइनस साइन टी इन जे और सेकेंड पार्ट वेक्टर आर इक्वल टू ए साइन टी आई ए कास टी जे प्लस टी के और थर्ड पार्ट देखा है इसने वेक्टर आर इक्वल टू ई रेट पावर टू टी आई प्लस टी स्केर जे प्लस टू टी के ये तीन वेक्टर हैं हमारे पास तो कह रहे हैं आप हर एक वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करिए आप ओके okay, ये अपने को कैलकुलेट करना है हाँ तो देखिए आप तीन पार्ट दे रखे हैं इसने फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव और सेकंड का मैग्नीट्यूड मापांक याद करना है तो मैं आपको इसमें से कोई दो पार्ट करवाऊंगा एक आपने करना होगा जैसे फर्स्ट देखिए आप सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट लिखो आप सिंस आर इक्वल टू वन माइनस कॉस टी आई प्लस टी माइनस साइन टी इंटू जी ठीक है केवल टर्म दे नहीं रखी इसने आप ज़ीरो इंटू के भी लिख सकते हो बट कोई प्रॉब्लम नहीं है ना लिखो तो भी चलेगा और अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना तो लिख देना आप t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t वन का ज़ीरो हो जाएगा कॉस का माइनस साइन माइनस और माइनस प्लस तो ये हो जाएगा साइन टी आई और फिर टी का डिफरेंशिएशन वन और साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी इंटू जे ओके और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे इसी का द्वारा फिर टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे हम क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो लिखिए आप अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी ठीक है उन्हें टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दैट इज डी टू वैक्टर आर अपॉन डी टी इक्वल टू साइन टी का टी आई का जीरो लिखने की जरूरत नहीं है टी का माइनस साइन टी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन टी इन जे ये इसका फर्स्ट आंसर ये इसका सेकेंड आंसर और अब हम इसका तीसरा आंसर कैलकुलेट करेंगे कैसे मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव दैट इज डी टू आर अपॉन डी टी स्केयर इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ आई के कॉफिशेंट का ऑल स्केयर दैट इज कॉस्केर टी प्लस जे के गुणांक का हॉल स्केर प्लस साइंस टी ठीक है कॉस्केर टी प्लस साइंस टी कितना देगा वन और वन का अंडर रूट क्या आएगा वन आएगा और ये इसका तीसरा आंसर बहुत ही सिंपल है आई के गुणांक का होल स्केयर प्लस जे के गुणांक का होल स्केयर प्लस के गुणांक का होल स्केयर और उसका अंडर रूट ये इसका फॉर्मूला होता है ओके okay? और इसी तरीके से आप देखिए सेकेंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है ये आपके लिए होमवर्क वर्क रहेगा आप थर्ड पार्ट देखो आप इसके बाद तो लिखिए पार्ट थर्ड तीसरा पार्ट सिंस वेक्टर आर इक्वल टू ई रेज का पावर टू टी इंटू आई प्लस टी स्केयर इंटू जे प्लस टू टी इंटू के ओके और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे डी आर अपॉन डी टी कैलकुलेट करेंगे यानी कि हम टी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप लिख दो t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ऐसा करते क्या हो जाएगा वैक्टर्स डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू ई पावर टू टी इंटू टू आएगा ई e की पावर एम एक्स का क्या होता है एम इन ई की पावर एम एक्स तो इसी तरीके से e की पावर टू टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा टू इंटू ई की पावर टू टी इंटू आई प्लस टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा टू टी इंटू जे प्लस टू इंटू के क्योंकि यहाँ पर t का वन हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या है फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ वैक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू t पहला डेरिवेटिव है वेक्टर आर का किसके सापेक्ष टी के सापेक्ष ठीक है तो लिखो आप अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी ठीक है दोबारा फिर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा सेकेंड डेरिवेटिव हो देगा फर्स्ट से डी टू आर अपॉन डी टी इक्वल टू अब देखो ई e की पावर टू टी का कितना होगा टू ई e की पावर टू टी टू ऑलरेडी है तो टू इन टू टू फोर ठीक है दो हमारे पास है दो और आएगा दो इंटू दो कितना जाएगा चार ई की पावर दो टी इंटू आई प्लस टू टी का वन हो जाएगा जे और इसका जीरो देगा दैट इज जीरो इंटू के समझिए टू इंटू टू ई की पावर टू टी टू इंटू टू क्या देगा फोर हो जाएगा तो अब अगले स्टेप के अंदर ये इसका सेकेंड आंसर है ये इसका फर्स्ट आंसर है और अब हम इसका मॉडल्स मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे दैट इज डी टू वैक्टर आर अपॉन डी टी स्कीय ठीक है वैक्टर जरूर लिखना है क्योंकि बुक के अंदर डार्क जो है आर वो वैक्टर को डिनोट कर रहा है और जो लाइट आर लिखा हुआ है वो वैक्टर के मान को डिनोट कर रहा है मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है तो अपना तो पेन एक होगा या तो पेन को बार बार रगड़ो आप डार्क बनाओ या फिर वैक्टर लगा दो आप ठीक है तो अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा अंडर रूट ऑफ आई के गुणांक की पावर दो कर दो आप दैट इज फोर ई की पावर टू टी का स्केयर प्लस टू का स्केयर प्लस जीरो का स्केयर ऐसा लिख सकते हैं ठीक है तो ये हमारे पास बनेगा अंडर रूट ऑफ सिक्सटीन ई की पावर फोर टी प्लस फोर ठीक है अब देखो चार कॉमन और चार का बार कितना आएगा दो आएगा यहाँ एक बार आप ऐसा लिख दो अंडर रूट फोर कॉमन फोर ई की पावर फोर्टी प्लस वन और अब चार का बाहर आ देगा दो तो दो रूट अंडर रूट के अंदर फोर ई e की पावर फोर्टी प्लस वन और ये इसका आंसर ठीक है ये थर्ड आंसर हो गया तो बहुत ही सिंपल है मुश्किल नहीं है ठीक है तो फॉर्मूले याद तो होना चाहिए अपने को ई e की पावर एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है m इन टू ई की पावर एम एक्स ओके अब सेकेंड पार्ट आपने करना है तो सेकेंड पार्ट करना प्लीज़ हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप तीसरा क्वेश्चन इसमें तीन पार्ट देखे हैं इसने वेक्टर आर इक्वल टू टी स्क्र आई माइनस टी जे प्लस टू टी प्लस वन इन टू के वैक्टर सेकेंड पार्ट है वेक्टर आर इक्वल टू टी स्केयर माइनस टी प्लस टू इन टू आई फिर प्लस वन माइनस फोर टी रेज द पावर फोर इंटू जे फिर प्लस टी माइनस फोर साइन टी इंटू के और तीसरा पार्ट है वेक्टर आर इक्वल टू ई रेज द पावर माइनस टी आई प्लस लॉग टी स्क्र प्लस वन इंटू जे माइनस टेन टी इंटू के तो वो कह कि अगर ऐसा हो देन ईवेल्युएट तब कैलकुलेट करिए आप वैक्टर डी आर अ क्वान्टिटी फिर सेकेंड डरीवेटिव देन मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, देन मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव, लेकिन ये सारी चीजें कहाँ पे कैलकुलेट करनी है एट इक्वल टू जीरो टी बराबर जीरो पर ओके okay? तो आइए आप सबसे पहले देखिए पार्ट नंबर सेकेंड फर्स्ट पार्ट इज़ी है इसलिए आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ मैं ठीक है तो पार्ट सेकेंड देखिए आप पार्ट सेकेंड पार्ट फर्स्ट होमवर्क प्लीज़ प्रैक्टिस जरूर करना बहुत इजी है तो लिखो आप सिंस वेक्टर आर इक्वल टू टी क्यूब माइनस टी प्लस टू आई फिर वन माइनस टू टी रेट द पावर फोर इंटू जे प्लस टी माइनस फोर साइन टी इंटू के ओके और अब हम लोग क्या करेंगे इसका t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे ठीक है तो लिख दो आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा डी आर अपॉनडिटी इक्वल टू देखो क्या होगा इसका थ्री टी स्केयर माइनस वन प्लस जीरो ठीक है थ्री टी स्केयर माइनस वन प्लस ज़ीरो इंटू आई और फिर अपने पास आएगा दैट इज़ वन का ज़ीरो इसका हो जाएगा माइनस टू इंटू फोर टी क्यू इंटू जे फिर आ जाएगा हमारे पास वन माइनस फोर कॉस टी इंटू के ओके और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज थ्री टी स्क्वायर माइनस वन इंटू आई दैट इज माइनस एट चार और दो का मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन माइनस एट टी क्यूब जे और प्लस वन माइनस फोर कॉस टी के ओके ये क्या है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है बट आपने को वैल्यू कहाँ पे कैलकुलेट करनी है एट टी इक्वल टू जीरो तो मैं इसको नंबर दे देता हूँ फर्स्ट क्योंकि फर्स्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो अब आइए आप पुट टी इक्वल टू जीरो टी बराबर जीरो तो डी आर अपॉन डी टी देखो आप क्या होगा जहां भी टी है वहां पर जीरो रख दो आप तो ये हो जाएगा जीरो माइनस वन इंटू आई एट इंटू जीरो इंटू जे वन माइनस फोर कॉस जीरो इंटू के ठीक है और अब अब देखिए ये हमारे पास क्या बनेगा माइनस आई बिकॉज माइनस वन इंटू आई है माइनस आई सेकेंड टर्म जीरो देगी प्लस जीरो इंटू जे और थर्ड टर्म हमारे पास देखो कॉस जीरो कितना होता है वन ठीक है फोर वन इंटू फोर फोर माइनस का चार प्लस का एक तो माइनस का थ्री बनेगा माइनस थ्री के तो ये क्या चीज़ आ गया हमारे पास मैं इस साइड में लिख देता हूँ देट इज एट टी इक्वल टू जीरो t बराबर जीरो पर डी आर अपॉन डी टी हमारे पास कितना बन रहा है माइनस आई प्लस जीरो जे माइनस थ्री के ये इसका फर्स्ट आंसर हो गया डी आर अपॉन डी टी आई टी इक्वल टू जीरो अब हम इसका मैग्नीट्यूड ले देते हैं तो नेक्स्ट लिखो आप मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर अपॉन डी टी ओके okay, इसका मान कहाँ पर टी बराबर जीरो पर तो इसी का लिख दो आप क्या देगा हमारे पास माइनस वन का स्केयर प्लस जीरो का स्केयर प्लस माइनस थ्री का स्केयर बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है आई के गुणांक की पावर दो प्लस जे के गुणांक की पावर दो प्लस के के गुणांक की पावर दो ठीक है स्केयर ऑफ कॉफिशेंट ऑफ आई प्लस स्केयर ऑफ कॉफिशेंट ऑफ जे प्लस स्केयर ऑफ कॉफिशेंट ऑफ के और सारे का अंडर रूट तो ये देखो कितना बनेगा हमारे पास ये बनेगा वन प्लस नाइन दैट इज अंडर रूट टेन और ये इसका सेकेंड आंसर ओके इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे हम इसका पार्ट नंबर थर्ड देखिए आप तीसरा पार्ट वेक्टर आर इक्वल टू ई रेट द पावर माइनस टी इन टू आई प्लस लॉग टी स्क्वेयर प्लस वन इंटू जे माइनस टेन टी इन टू के ओके तो देखो फर्स्ट पार्ट अपने को क्या करना है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट टी के रिस्पेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस ई रेट द पावर माइनस टी इन टू आई ठीक है फिर इसका कितना हो जाएगा वन अपॉन टी स्केयर प्लस वन पहले तो log का करेंगे हम फिर मल्टीप्लाई में इसका आएगा कितना टू टी प्लस ज़ीरो टी स्केयर का टू टी वन का ज़ीरो ठीक है और फिर टेन का कितना होगा सेक्स स्केयर टी इंटू के ठीक है तो हमारे पास ये बनेगा माइनस ई रेज का पावर माइनस टी इन टू आई प्लस टू टी अपॉन टी स्क्र प्लस वन इंटू जे माइनस सेक्स स्क्र टी इंटू के ठीक है तो बट अपने ये कैलकुलेशन कहाँ पे चाहिए देखो आप टी इक्वल टू जीरो पर तो इसको लिख दो आप नंबर सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड पुट टी इक्वल टू ज़ीरो इन वन क्योंकि आपने को टी इक्वल टू ज़ीरो पर कैलकुलेशन करनी है तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा डी आर अ क्वान्टिटी एट टी इक्वल टू ज़ीरो टी के स्थान पर जीरो रखिए आप इसके अंदर तो ई e की पावर जीरो आई फिर हमारे पास यहाँ पर बनेगा जीरो अपॉन जीरो प्लस वन इंटू जे और लास्ट में सेक्स जीरो सेक्स जीरो कितना होता है एक सेक्स जीरो वन ओके तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास आएगा माइनस आई आए प्लस जीरो जे माइनस के ये हमारे पास क्या है डी आर अपॉन डी टी एटी इक्वल टू जीरो और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे हम ठीक है डी आर अपॉन डी टी का तो क्या हो जाएगा माइनस वन स्क्वायर जीरो स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर दैट इज वन प्लस जीरो प्लस वन दैट इज अंडर ओके, तो ये क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव किसका वेक्टर आर का किसके रिस्पेक्ट टी के रिस्पेक्ट कहां पर है टी इक्वल टू जीरो और उसके बाद ये क्या है मैग्नीट्यूड ठीक है कब जब टी की वैल्यू क्या है जीरो है फिर हम लोग क्या करते हैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो इसके लिए लिखो आप समीकरण एक का द्वारा टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है उन्हें टी के रिस्पेक्ट हम लोग क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके लिए फॉर सेकेंड डेरिवेटिव तो लिखो आप नाउ डी टू वैक्टर आर अपॉन डी टी स्केयर तो देखो इसका करो आप e की पावर माइनस टी का क्या होगा माइनस आएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस e की पावर माइनस टी इन टू आई फिर प्लस दो यहाँ पर u अपॉन वी अप्लाई कर दो आप u अपॉन वी क्या होगा v की पावर दो दैट इज टी स्केयर प्लस वन का हॉल स्केयर फिर हम लोग क्या करेंगे v को छोड़ेंगे और t का डिफ्रेंशिएशन होगा एक फिर माइनस टी को छोड़ेंगे हम और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा टू टी प्लस जीरो इंटू जे ओके और इसके बाद सेक्स केयर टी का करना है आपने को तो सेक्स केयर का कितना होगा टू सेक सेक्स का टू सेक और फिर मल्टीप्लाई में सेक का करना अपने को सेक का क्या होता है सेक इंटू टेन दैट इज सेक टी इंटू टेन टी k के और अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखिएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा डी टू आर अपॉन डी टी स्केयर इक्वल टू ई रेट द पावर माइनस टी इन टू आई ठीक है और प्लस टू इंटू ध्यान देना आप ये टी स्केयर फिर माइनस टू टी One, okay? प्लस वन ओके और अपॉन हमारे पास बनेगा टी स्केयर प्लस वन हॉल स्केयर इंटू जे और यहां पर हमारे पास आएगा माइनस टू सेक्स स्केयर टी इंटू टेन टी के ओके okay? और इसको हम लोग क्या लिखेंगे अगले स्टेप के अंदर थोड़ा और सिंपलीफाई कर दो आप इसको तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा डी टू वैक्टर आर अपॉन डी टी स्केयर इक्वल टू ई रेट पावर माइनस टी इंटू आई ठीक है प्लस टू और हम इसको लिख सकते हैं वन माइनस टी स्केयर वन देखो माइनस टू टी स्केयर प्लस टी स्केयर माइनस टी स्केयर बचेगा अपॉन में हमारे पास आएगा टी स्केयर प्लस वन हॉल स्केयर और इंटू जे और लास्ट टर्म है माइनस टू सेक्स स्केयर टी इंटू टेन टी इंटू ओके okay. okay. और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कहां पर t इक्वल टू जीरो पर तो लिखो आप पुट टी बराबर जीरो टी बराबर जीरो पुट कर दो आप तो ऐसा करते ही हमारे पास बनेगा d2 टू वैक्टर आर एफ ऑन डी टी ई की पावर जीरो इन टू आई टी के स्थान पर जीरो फिर प्लस टू वन माइनस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो हॉल स्केयर इंटू जे फिर टू सेक्स स्केयर जीरो इंटू टेन जीरो इंटू के तो e की पावर जीरो वन दैट इज i और ये हमारे पास बनेगा देखो आप दो इंटू एक दो बटा में एक कितना आ टू जे और लास्ट में देखो टेन जीरो क्या जाएगा जाएगा सेक्स जीरो वन टेन जीरो जीरो तो दैट इज प्लस जीरो के लिख सकते हो आप बिकॉज टेन जीरो क्या होता है जीरो होता है तो टेन के कारण लास्ट टर्म क्या बनेगी जीरो बनेगी, ओके और अब इसके बाद फिर आप यहां लिख दो दैट इज डी टू आर अपॉन डी टीज इक्वल टू आई ओके और प्लस टू जे प्लस जीरो के और इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड दैट इज मॉड ऑफ डी टू वैक्टर आर अपॉन डी टी स्केयर ये क्या बनेगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस फोर प्लस ज़ीरो दैट इज अंडर रूट फाइव और ये इसका आंसर ठीक है ये इस क्वेश्चन का आंसर है इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे और प्लीज़ आपको मैंने फर्स्ट पार्ट होमवर्क दिया है ठीक है और सेकेंड पार्ट के अंदर मैंने सिर्फ यहाँ तक कैलकुलेशन की है फर्स्ट डेरीवेटिव की वैल्यू टी इक्वल टू ज़ीरो पर और फर्स्ट डेरीवेटिव का मैग्नीट्यूड कहाँ पर टी इक्वल टू जीरो पर और सेकेंड पार्ट को भी आपने कम्प्लीट करना है सेकेंड डेरीवेटिव कैलकुलेट करोगे आप और फिर सेकेंड डेरीवेटिव का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा कहाँ पर टी इक्वल टू जीरो पर ओके तो इसको इस तरीके से आप कम्प्लीट करिएगा हमें हाँ क्वेश्चन नंबर फोर देखिए प्लीज़ क्वेश्चन नंबर चार के अंदर क्या देखा है इसमें दो पार्ट हैं पार्ट फर्स्ट वैक्टर ए इक्वल टू टी स्के राई माइनस टी जे प्लस टू टी प्लस वन इं टू के और बी इक्वल टू दे रखा है टू टी आई प्लस जे माइनस टी इन टू के और पार्ट सेकंड के अंदर भी दो वैक्टर हैं वैक्टर ए फाइव टी स्केराई माइनस कॉस टी जे और दूसरा वैक्टर है वैक्टर बी इक्वल टू टी आई प्लस साइन टी इन टू जी देन फाइंड डेरीवेटिव ऑफ ए डॉट बी विद रिस्पेक्ट टू टी एंड डेरीवेटिव ऑफ ए क्रॉस बी विद रिस्पेक्ट टू टी क्या करना है अपने को ए डॉट बी और ए क्रॉस बी का अवकलज ज्ञात करना है किसके रिस्पेक्ट टी के रिस्पेक्ट ओके डेरीवेटिव कैलकुलेट करने हैं तो एक पार्ट आप लोग करोगे एक मैं करता हूँ तो फर्स्ट पार्ट आप करना सेकेंड मैं आपको करवाता हूँ तो फर्स्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा प्लीज़ जरूर करना है छोड़ना नहीं है ताकि हमारी प्रैक्टिस हो ओके तो देखिए सबसे पहले देखो आप सोल्यूशन ठीक है पार्ट नंबर सेकंड, तो लिखिए प्लीज वेक्टर ए दैट इज फाइव टी स्केर आई माइनस कॉस टी जे एंड वेक्टर बी इक्वल टू हमारे पास है टी आई प्लस साइन टी जे ओके तो देखो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा ए डॉट बी कैलकुलेट करना ए डॉट बी डॉट के अंदर हम लोग क्या जानते हैं आई का आई के साथ होगा जे का जे के साथ होगा के का के के साथ होगा तो आई के कॉफिशियंट का आई के कॉफिशियंट के साथ कर दो दैट इज फाइव टी क्यू क्यों फाइव टी स्केर इंटू टी ठीक है फिर आप लिखो माइनस t इंटू साइन टी माइनस कॉस्टी इंटू साइन टी अब इसके अंदर जीरो के है और इसमें भी के नहीं है तो आप लोग क्या लिख सकते हो जीरो इंटू के तो प्लस हमारे पास आ जाएगा जीरो ठीक है आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन हो जाएगा इसके अंदर ये आप साइड में मेंशन कर सकते हो आई डॉट आई इक्वल टू डे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू वन ठीक है आई का आई के साथ करना होता है बस अपने को डॉट के अंदर बाकी सारी टर्म जीरो होती हैं इसके अंदर हमें हाँ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट टी के रिस्पेक्ट तो लिख देना आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी लाइन मेंशन कर देना टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी तो देखो क्या होगा फाइव इंटू थ्री टी यहाँ पर यू इन अप्लाई कर दो एक बार cos t का माइनस साइंटी इंटू साइंटी फिर कॉस्टी को छोड़ दो आप और साइंटी का कितना देगा कॉस्टिक ओके okay. और अगला स्टेप दैट इज फिफ्टीन टी स्केयर और अब देखो ये क्या बन रहा है ये हमारे पास बन रहा है ब्रैकेट के अंदर कॉस्केयर टी माइनस साइंस केयर टी कॉस इंटू कॉस कॉस्केयर माइनस साइंस केयर तो हम लोग क्या जानते हैं कॉस स्केयर थीटा माइनस साइंस केयर थीटा दैट इज कॉस टू थीटा तो ये हमारे पास हो जाएगा फिफ्टीन टी स्केयर माइनस कॉस टू टी फॉर्मूला लिखना चाहो लिख दो आप कॉस केयर थीटा माइनस साइंस केयर थीटा इक्वल टू कॉस टू थीटा ऐसा लिख सकते हैं ओके तो अगले स्टेप के अंदर लिखो फिर आप आ, ये क्या चीज हो गया हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ ए डॉट बी ठीक है ए डॉट बी का टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन अब अपने को क्या करना है ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है ठीक है तो ऐसे ही आपने फर्स्ट पार्ट करना होगा तो लिखिए आप इसी के अंदर सबसे पहले ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और जब क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो हम लोग किस चीज़ की हेल्प लेंगे डिटर्मिनेंट आई जे के ठीक है तो सबसे पहले कॉफिशेंट लिखो आप फाइव टी स्केयर जे के गुणांग में क्या आ रहा है कॉस टी के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है जीरो फिर ऐसे ही बी का लिखोगे आप टी देन साइन टी और उसके बाद जीरो ओके okay, और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे आई इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई दैट इज जीरो माइनस जीरो ओके जीरो माइनस जीरो फिर माइनस जे इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई अगेन जीरो माइनस जीरो फिर लास्ट में क्या होगा के इन दोनों का मल्टीप्लाई दैट इज फाइव साइन टी इंटू टी स्केयर तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखूं फाइव टी स्केयर इंटू साइन टी और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो माइनस फार्मूले एक आएगा और माइनस यहां पर है माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस दैट इज टी कॉस टी तो हमारे पास क्या बन रहा है फर्स्ट टर्म जीरो सेकेंड टर्म जीरो सिर्फ थर्ड टर्म बनेंगे हमारे पास और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं दैट इज फाइव टी स्केयर साइन टी प्लस टी कॉस टी इंटू के ठीक है थोड़ा ध्यान से चलना बस और ये हमारे पास क्या आ गया है ए क्रॉस बी आ गया अब हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए क्रॉस बी विद रिस्पेक्ट टू टी टी के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन लिख देना आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी ठीक है टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो फिर आप लोग क्या लिखोगे डी अपॉन डीटी डी टी ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ राइट हैंड साइड फाइव टी स्कियर इनटू साइन टी प्लस टी टी इंटू के ओके इसका डिफरेंशिएशन करना है और अब देखो हम सिर्फ टी वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा देखो फर्स्ट टर्म के अंदर यू इंटू वी अप्लाई होगा सेकेंड टर्म के अंदर भी यू इंटू वी अप्लाई होगा तो करिए डिफरेंशिएशन देखो फाइव टी स्केयर टी स्केयर का टू टी टू इंटू फाइव टेन टी साइन टी फिर हम साइन टी का करेंगे कितना देंगे फाइव टी स्केयर इंटू कॉस्टी यू इंटू वी साइन टी का कॉस्टी दैट इज फाइव टी स्केयर इंटू कॉस्टी फिर टी का वन ठीक है और इंटू t और फिर cos t का कितना देगा माइनस साइन टी दैट इज माइनस टी साइन टी इंटू के लिखना है आपने ठीक है और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे देखो आप टेन टी साइन टी माइनस टी साइन टी तो टेन में से एक कितना देगा नाइन टी साइन टी प्लस फाइव टी कॉस टी प्लस कॉस कॉस्टी इंटू के ओके और ये इसका आंसर ए क्रॉस बी का टी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करना ओके बड़े ही आराम से चलिएगा बहुत ही सिंपल है मुश्किल नहीं है तो पहले ए क्रॉस बी को ध्यान से कैलकुलेट करो आप और उसके बाद इसका टाइम के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करो आप हाँ भी क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए आप क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर इफ वेक्टर आर इक्वल टू फाइव प्लस टी इन टू जे माइनस टी क्यूब के और एस इक्वल टू दे रखा है इसने साइन टी आई माइनस टी जे देन एट टी इक्वल टू पाई बाई टू इवेलुएट डी अपॉन डी टी आर डॉट ए ठीक है एंड डेरिवेटिव ऑफ आर क्रॉस आरक्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू टी एंड डेरिवेटिव ऑफ आर डॉट आर विद रिस्पेक्ट टू टी यानी कहने का तो लोग क्या करना है अपने को आर डॉट एस आरक्रोस एस और आर डॉट आर का टी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करना है कब जब टी की वैल्यू क्या है पाई बाई टू ओके तो तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो लिखो आप पार्ट फर्स्ट ठीक है तो देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करो आप आर डॉट एस आर डॉट एस आर की वैल्यू लिखो आप फाइव टी स्वेर आई प्लस टी इंटू जे माइनस टी क्यूब इंटू के डॉट एस साइन टी आई माइनस कॉस टी जे ओके अब देखो इसके अंदर के तक है इसके अंदर जे तक दे रखा है तो आप क्या लिख सकते हो जीरो इंटू के लिख सकते हो ठीक है और इसके बाद आर डॉट एस का मतलब क्या होता है आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट के का जे का जे के साथ और के का के के साथ तो ये कितना बनेगा फाइव टी स्केयर साइन टी इन दोनों का मल्टीप्लाई आई डॉट आई वन हो जाएगा फिर टी कॉस टी विद नेगेटिव साइन तो माइनस टी कॉस टी और जे डॉट जे वन हो जाएगा फिर उसके बाद जीरो इंटू टी क्यूब दैट इज ज़ीरो ओके और साइड में लिख सकते हो i डॉट i, j डॉट .J, j, k डॉट k इक्वल टू वन ठीक है i का i के साथ करना है j का j के साथ करना है k का k के साथ करना है कब जब अपने पास क्या हो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना हो और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखो आप हमारे पास वेक्टर r डॉट वेक्टर s तैयार हो गया अब हम इसका टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिख दो तो आप टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू तो टी ऑन बोथ साइड्स दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करना तो क्या हो देगा भाई डी dt वैक्टर आर डॉट वैक्टर एस इक्वल टू देखो आप यू इन टू वी यहां पर अप्लाई होगा और u इंटू वी ही यहां पर अप्लाई होगा क्योंकि दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले इसका करो आप फाइव टी स्केयर का कितना देगा टेन टी इंटू साइन टी फिर साइन टी का कॉस फाइव टी स्केयर इंटू कॉस्टी समझ गए आप टी स्केयर का टू टी बनेगा मल्टीप्लाई फाइव होगा फाइव इंटू टू कितना टेन फिर ऐसे ही नेक्स्ट टी का वन इंटू t फिर कॉस्टी का माइनस साइन टी माइनस और माइनस प्लस प्लस टी साइन टी ओके इस तरीके से लिखिएगा आप और अगले स्टेप के अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप टेन प्लस वन इलेवन टी साइन टी और ये हमारे पास बन रहा है फाइव टी स्क् कॉस्टी माइनस कॉस्टी तो ये क्या है डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर डॉट एस विद रिस्पेक्ट टू टी और अब अपने को कैलकुलेशन कहाँ पे करनी है जब टी की वैल्यू क्या है पाई बाई टू तो पुट कर दो आप पुट टी इक्वल टू पाई बाई टू पाई बाई टू पुट कर दो आप टी के स्थान पर ठीक है तो ऐसा करते ही क्या होगा ऐसा करते ही हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी ऑफ आर डॉट एस इक्वल टू अब देखो जहाँ भी टी है वहाँ पर पाई बाई टू लिख दो आप तो ये हो जाएगा इलेवन इंटू पाई बाई टू इंटू साइन पाई बाई टू फिर हमारे पास आएगा प्लस फाइव ठीक है टी स्केयर दैट इज पाई अपॉन टू स्केयर इंटू कॉस पाई बाई टू और माइनस कॉस पाई बाई टू और अब हम क्या जानते हैं साइन पाई बाई टू वन और कॉस पाई बाई टू जीरो तो लास्ट वाली दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे क्यों क्योंकि इनके अंदर कॉस पाई बाई टू है कॉस नाइनटी जीरो होता है सिर्फ पहली टर्म बचेगी हमारे पास कितनी इलेवन अपॉन टू इंटू पाई ठीक है और साइन पाई बाई टू वन हो जाएगा मल्टीप्लाई में वन लिखना है लिखो नहीं लिखना है मत लिखो आप ये ज़ीरो हो गया कॉस पाई बाई टू लास्ट भी क्या है कॉस पाई बाई टू यानी कि जीरो प्लस जीरो तो कुल मिलाकर के हमारे पास आंसर कितना आएगा इलेवन पाई अपॉन टू दिस इज आंसर तो इस तरीके से अपने को फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करना है अब आप लिखो थर्ड पार्ट पहले कर लेते हैं आपने क्योंकि डॉट क्या है सेकंड बाद में करते हैं तो नेक्स्ट लिखो आप पार्ट थर्ड आर डॉट वैक्टर डॉट वेक्टर आर हाँ भाई पहले भी आर की वैल्यू डॉट के बाद भी आर की वैल्यू दैट इज फाइव टी स्केर आई इंटू टी जे माइनस टी क्यूब के बिकॉज आर डॉट आर तो एक बार फिर मैं पीट कर दू फाइव टी स्केयर आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के डॉट सेम फाइव टी स्केयर आई ठीक है इसको थोड़ा सही लिखूँ फाइव टी स्केयर आई फिर प्लस टी इंटू जे माइनस टी क्यूब इंटू के ओके और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं आई का आई के साथ देखो आप पाँच इंटू पाँच फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव टी की पावर फोर बनेगा आई डॉट आई लिख सकते हो आई डॉट आई कितना हो जाएगा वन हो जाएगा यानी लिखना है लिख दो आप इंटू आई डॉट आई फिर क्या होगा टी इंटू टी दैट इज टी स्केयर जे डॉट जे फिर आगे हम क्या लिख सकते हैं माइनस और माइनस प्लस टी की पावर सिक्स के डॉट के आई का आई के साथ जे का जे के साथ के का K के साथ ये वन होता है तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव टी की पावर फोर प्लस टी की पावर दो प्लस टी की पावर सिक्स ठीक है तो ये क्या आ गया वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर और अब हमारा टारगेट क्या है अब हमारा टारगेट है इसका हम टी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करें ओके okay, तो लिख देना आप डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी टी के सापेक्ष अवकलन करना दैट इज डी अपॉन डी टी वैक्टर आर डॉट वैक्टर आर टी के रिस्पेक्ट कर दो डिफ्रेंशिएशन हाँ भाई टी की पावर फोर का कितना होगा फोर टी क्यूब फोर इंटू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हो जाएगा ये हंड्रेड टी क्यूब फिर हमारे पास आएगा टू टी फिर हमारे पास आएगा सिक्स टी द पावर फाइव ओके समझ गए आप पहली टर्म का इतना बनेगा ट्वेंटी फाइव इंटू फोर टी क्यूब ठीक है दैट इज फोर इंटू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हो गया ठीक है टी क्यूब प्लस टू टी प्लस सिक्स टी रे टू दावर फाइव और अब अपना टारगेट क्या है t के स्थान पर पाई बाई टू पुट करना तो लिखो आप पुट t इक्वल टू पाई बाई टू यानी कि सारी कैलकुलेशन कहाँ पे करनी है लास्ट में टी इक्वल टू पाई बाई टू के ऊपर तो क्या बनेगा बी अपॉन डी टी इंटू वैक्टर आर डॉट वैक्टर आर इक्वल टू हंड्रेड इंटू पाई अपॉन टू हॉल क्यूब फिर हमारे पास आएगा टू इंटू पाई अपॉन टू फिर हमारे पास आएगा सिक्स इंटू पाई अपॉन टू की पावर फाइव ठीक है और अब ये हमारे पास बन रहा है हंड्रेड इंटू पाई क्यूब अपॉन एट ये बनेगा प्लस पाई क्योंकि दो से दो कैंसिल ये हमारे पास बनेगा सिक्स पाई रेच पावर फाइव अपॉन थर्टी टू बटा में बत्तीस बनेगा दो की पावर पाँच और उसके बाद आप इसको कट कर सकते हो फोर से डिवाइड हो रहे देखो आप तो कितना देगा ये हमारे पास बनेगा पच्चीस बटा में दो क्योंकि चार से भाग करने के बाद इंटू पाई क्यूब प्लस पाई और लास्ट में देखो आप सिक्स अपॉन थर्टी टू है तो क्या देगा थ्री अपॉन सिक्सटीन प्लस थ्री अपॉन सिक्सटीन इन टू पाई रेट पावर फाइव ठीक है ये इसका आंसर तो ये क्या चीज आ गया हमारे पास डी अपॉन डी टी ऑफ आर डॉट आर एट पाई बाई टू पाई बाई टू पर आर डॉट आर का डिफ्रेंशिएशन ठीक है इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं हाँ भाई अब आइए आप सेकेंड पार्ट ठीक है सेकेंड पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करना तो उसके लिए अपने को किस चीज की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले हम आर क्रॉस एस को कैलकुलेट करेंगे ओके तो आर क्रॉस एस को कैलकुलेट करना हम तो लिखे प्लीज पार्ट सेकेंड ओके आर क्रॉस एस वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एस तो इसके लिए डिटर्मिनेंट क्या लिखेंगे हम आई देन जे और लास्ट में K. तो के तो सबसे पहले आर के कॉफिशन लिखो आप फाइव टी स्केर यहां टी आएगा यहां माइनस टी क्यूब होगा और ऐसे फिर एस के कॉफिशन लिखो आप साइन टी यहां माइनस कॉस्टी और यहां के नहीं है तो इसका मतलब क्या है जीरो के जीरो आएगा और अब इसके बाद इसको ओपन करना आई इन ठीक है इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई दैट इज जीरो माइनस टी क्यूब कॉस्टी ठीक है आई को बाद में लिख दो आप और फिर ठीक है माइनस जे जे को बाद में लिख देता हूं और देखो क्या आएगा जीरो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस और माइनस प्लस ठीक है और फिर लास्ट में प्लस के वाली टर्म आएगी तो के के मल्टीप्लाई में आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बनेगा माइनस फाइव टी स्केयर कॉस्टी बिकॉज माइनस है देखो आप फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा माइनस टी साइन टी ठीक है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें हम तो दैट इज माइनस टी क्यूब कॉस्टी आई ये हमारे पास आ जाएगा माइनस टी क्यूब साइन टी जे और फिर हमारे पास आएगा माइनस कॉमन निकाल सकते हो आप बाहर फाइव टी स्केयर कॉस टी प्लस टी साइन टी इंटू के तो ये क्या हो गया अभी ये हमारे पास हो गया वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एस ओके और अब हम लोग क्या करेंगे इसका टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे ठीक है लिखो आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी टी के सापेक्ष अवकल करने पर ठीक है और जब t के रिस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा ऊपर करते हैं हाँ भाई डी अपॉन पॉन्डिटी और वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एस ठीक है तो देखो सबसे पहले टी क्यूब का u इंटू वी अपलाई होगा यहां पर माइनस को बाहर लिख देना आप टी क्यूब का कितना होगा थ्री टी स्केयर कॉस टी ओके और फिर कॉस टी का माइनस साइन टी तो ये हो जाएगा माइनस टी क्यूब साइन टी इंटू आई ठीक है फिर ऐसे यहां पर u इंटू वी अप्लाई करना माइनस टी क्यूब का कितना होगा थ्री साइन t देखो आप टी क्यूब है माइनस मैंने बार लिख दिया ब्रैक लगा रहा हूं टी क्यूब का थ्री टी t, t फिर sin t का करेंगे हम कितना देगा तो ये बनेगा इंटू जी और लास्ट टर्म बड़े ध्यान से चलना आप माइनस ऑलरेडी है हमारे पास तो देखो जब इस टी स्क्र का डिफ्रेंशिएशन करेंगे टू टी आएगा तो टू इंटू फाइव कितना हो जाएगा टेन टी कॉस टी और फिर जब कॉस का करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन आएगा तो फिर आ जाएगा माइनस फाइव टी स्केयर इंटू साइन टी देखो आप माइनस किसका हुआ कॉस का माइनस साइन टी होता है तो यू इन वी अप्लाई कर दिया यहाँ पर और ऐसे फिर आगे यू इन वी अप्लाई करना है तो एक बार टी का वन हो जाएगा मल्टीप्लाई में साइन टी फिर प्लस हम टी को छोड़ेंगे और साइन टी का कितना हो जाएगा कॉस टी और मल्टीप्लाई में हम लोग क्या लिखेंगे के लिखेंगे ओके और अगले स्टेप के अंदर देखिए आप नेक्स्ट ठीक है पहली टर्म हमारे पास देखो क्या बन रही है माइनस थ्री टी स्क्वायर कॉस टी माइनस टी क्यूब साइन टी इंटू आई ठीक है और फिर देखो यहां पर क्या बन रहा है माइनस ट इज थ्री टी स्केयर साइन टी प्लस टी क्यू कॉस्टी इंटू जे और यहां पर ध्यान दो आप देखो टेन टी कॉस्टी और एक टी कॉस्ट ये हमारे पास कितना हो जाएगा इलेवन टी कॉस्टी हो गया तो माइनस इलेवन टी कॉस्टी और फिर उसके बाद सेकेंड टर्म हमारे पास है माइनस फाइव टी स्केयर साइन टी और फिर तीसरी टर्म हमारे पास बनेगी प्लस टी इंटू के बड़े ही आराम के साथ चल है मैंने आपको पहले कहा हुआ है जब कैलकुलेशन बड़ी हो ड्राइव स्लो धीरे चलिए आप ठीक है बेनिफिट में रहेंगे अगर धीरे चलेंगे क्यों क्योंकि प्लस माइनस की मिस्टेक होगी फास्ट चलते हुए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो बड़े ही आराम के साथ सहजता के साथ चलिए आप ठीक है और इसके बाद फिर आपने क्या करना है देखो ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास है डी अपॉन डी टी ऑफ आर क्रॉस एस आर क्रॉस एस का फर्स्ट डेरिवेटिव है अगला टारगेट क्या होगा पुट टी इक्वल टू पाई बाई टू जहां पर भी टी है वहां पर पाई बाई टू पुट करना तो लिखो आप पुट टी इक्वल टू पाई बाई टू टी के स्थान पर पाई बाई टू पुट करना तो ऐसा करते ही ध्यान दो तो आप मैं सीधा ले दू यहां पर कॉस पाई बाई टू जीरो बनेगा और साइन पाई बाई टू वन बनेगा इसका यूज कर लेते हैं आपने कॉस नाइन्टी जीरो और साइन नाइन्टी वन तो अधिक टर्म वैसे ही छोड़ देंगे हम कॉस वाली क्योंकि कॉस वाली टर्म का मान क्या होगा जीरो होगा जब टी के स्थान पर पाई बाई टू फुट करेंगे तो आइए आप अगला स्टेप क्या बनाएंगे हम जब इसके अंदर ये पुट करेंगे तो देखो कॉस की टर्म जीरो देगी बिकॉज मैंने पहले बता दिया आपको कॉस नाइन्टी जीरो माइनस लगा दो फर्स्ट टर्म जीरो कॉस के कारण दूसरी के अंदर वैल्यू पुट करो आप माइनस पाई बाई टू हॉल क्यूब इंटू साइन नाइन्टी कितना तो देगा एक यहाँ लिख रखा है मैंने इनका यूज करते जाओ आप ठीक है और मल्टीप्लाई में आई फिर माइनस हाँ भाई यहाँ पर आ जाएगा थ्री पाई बाई टू Square, sin 91, और और अगली टर्म बनेगी मल्टीप्लाई में जे जीरो टर्म जीरो है क्यों कॉस पाई बाई टू आएगा इसके अंदर तो फर्स्ट टर्म जीरो सेकेंड टर्म साइन पाई बाई टू वन इसकी वैल्यू आएगी तो माइनस फाइव पाई अपॉन टू हॉल इंटू वन फिर लास्ट में साइन पाई बाई टू कितना देगा प्लस वन और इंटू के कॉस नाइन्टी जीरो साइन नाइन्टी वन प्लस साइन नाइन्टी वन बड़े ही आराम से चलिएगा आप अगले स्टेप के अंदर आंसर तो देखो अब माइनस और माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस पाई क्यूब अपॉन एट इंटू आई ये फर्स्ट टर्म होगी सेकेंड टर्म बढ़ेंगे हमारे पास माइनस थ्री पाइस के अपॉन फोर इंटू जे फिर थर्ड टर्म माइनस और माइनस प्लस थर्ड टर्म माइनस पढ़ा दो दोबारा वन को पहले लिख देना आप और माइनस फाइव पाइस के अपॉन फोर इंटू के ठीक है इस तरीके से लिख दो और ये क्या है आंसर ठीक है दिए गए यानी कि R क्रॉस S का डिफ्रेंशिएशन है किसके ऊपर जब t की वैल्यू क्या है पाई बाई टू तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही इजी है मुश्किल नहीं है बस ड्राइव लो, ये ध्यान रखिएगा आप धीरे चलो आप और कुछ नहीं है इसके अंदर ठीक है मैथ को समझना है तो स्लोली धीरे हो जाओ आप और आपको उतना ही समझ आएगा फास्ट चलेंगे उतना ही जाता है फिर ये तो इसलिए धीरे चलिए आप ओके